ये देखो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो फोन कहीं उड़ के गिरा था। हाँ। मेरा भी सारा कपड़े वगैरह पे खून वून लग गया था। चीज ही थी भाई, सौदा ही था ये भी। वैसे पोलो आज के टाइम पे नहीं आती तो थोड़ा आपको अंदर से दुख नहीं होता यार? पोलो आज भी आती तो मैं वापस पोलो ले सकता था। क्यों कहते थे ना फॉक्सवैगन की जान, फॉक्सवैगन की सबसे ज्यादा सेलिंग मोस्ट सेलिंग कार थी, मतलब जिसको अभी भी आज भी 2023 में भी जनता याद करती है कि यार एक फॉक्सवैगन पोलो आती थी, काश फॉक्सवैगन पोलो जो है वापस आ जाए। पर भाई वापस तो नहीं आ पा रही। मैंने ना उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स भी देखे थे कि फॉक्सवैगन की ऑफिशियल, मतलब वो पेज पे किसी का रिप्लाई भी करते हैं ना तो कहते हैं कि अभी पोलो का तो हमारा कोई भी जो है ना अभी है ही नहीं मूड की वापस आएगी। आज जो मैं पोलो दिखाने वाला हूँ ना, ये आप कहोगे कौन सी है, लेटेस्ट वाली है, पुरानी है, नई है, कैसी है? तो ये आपको ना वैसे देखने में तो लग रही होगी कि यार ये तो वो है 1 लीटर TSI, बट नहीं भाई, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो ये 2019 मॉडल है फॉक्सवैगन पोलो 1.5 TDI। हाइलाइट्स बता देता हूँ, इसके जो शीशे हैं जितने भी ये भी चेंज हो रखे हैं, और लाइट्स होगी, बम्पर हो गए फ्रंट और रियर, ये बिल्कुल जो लास्ट वाली 1 लीटर TSI वाली आती थी ना उसमें कन्वर्ट हो रखी है। इसका एक ओनरशिप एक्सपीरियंस जानेंगे कि गाड़ी में कोई अभी तक, ये वैसे ना अगर हम वैसे बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा चल चुकी है, तो इसकी प्रॉपर बात करेंगे। गाड़ी के जो ओनर है वीरेश भैया, कैसे हो? आज है ना भैया से जानेंगे प्रॉपर एक्सपीरियंस एक उसका, क्योंकि अब मैंने है ना अभी आपसे बात हो रही थी फॉक्सवैगन सारी फॉक्सवैगन है भैया पे, तो फॉक्सवैगन के सबसे बेस्ट जो है ना बता सकते हैं एक तरह से, जो फॉक्सवैगन स्कोडा वाले होते हैं ना उनके कीड़ा रहता है गाड़ी भगाने का, चलाने का, सब का होती ना रोड पे पकड़ है उस गाड़ी की, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि क्या हाल है ब्रो। बाकी भाई भी है, पोलो की कुछ ऐसी की थी भाई, ये देखो अंदर चलते हैं भाई। और एक इसमें चीज़ थी ना, ये आवाज़ देख रहे हो, अभी नई वाली में भी है ना ये ऐसी आवाज़ नहीं आती, बट ठीक है। ये देखो ये चल चुके 1,06,130 डीजल इंजन की, वही आवाज़। कोई फॉक्सवैगन लवर कैसे हो गए, मतलब क्या फॉक्सवैगन में क्या लगा? सबसे पहले हमारे पास मारुति की अर्टिगा होती थी, मतलब 2016 की बात है, चलाई काफी, फिर एक सेकंड हैंड स्कोडा लोरा ली थी। अच्छा, वो चला के इतना मजा आया कि मैं कहा भारी भी है, पकड़ भी सही है और पिकअप भी बहुत सही थी गाड़ी की। तो अपना उसके बाद फॉक्सवैगन की पोलो ली थी हमने 2018 में, 1 लीटर MPI अभी भी है वो गाड़ी मेरे पास। अच्छा, तो पिकअप तो उसकी उतनी कुछ खास नहीं है गाड़ी की, क्योंकि 1 लीटर का MPI इंजन था, नेचुरली एस्पिरेटेड वाला। उसके बाद लेकिन हैंडलिंग बहुत बढ़िया थी गाड़ी की, रोड पे पकड़ती। फिर ये TDI ली 2019 में, बस जी ये है कि उसके बाद ये था कि इस गाड़ी का एवरेज में भी कोई टक्कर नहीं, और भागने के टाइम पे वो भी कोई चक्कर यही है भाई। मतलब मैं ना, हम भाई पीछे पकड़ लेंगे कैमरा, तो इसका ना क्योंकि मैनुअल है ना भाई, तो एक हाथ इस पे और वो रह गई, तो हम अच्छे से चलते हुए बात करेंगे प्रॉपर आज। तो भाई अब मैंने सुना है आप पे वो भी है जो वर्टस है, वर्टस जी, तो वर्टस का भी मतलब है ना हम मिक्सा रखेंगे, क्योंकि भाई अब भाई के पास टाइगुन भी हो, सब में टाइगुन कौन सी 1 लीटर या 1.1 लीटर है, 1 लीटर है, तो टाइगुन 1 लीटर और ये चलाने में क्या डिफरेंस लगा? हालांकि भाई देखो देखा जाए एक हैचबैक और SUV टाइप में फर्क रहता ही रहता है, पर 1 लीटर और 1.5 की ट्यूनिंग की बात करें, अगर हम कंपेयर करें ना, मेरे पास वेंटो TSI है 1 लीटर, हालांकि वो स्टेज 1 ट्यून हो रखी है। अच्छा, स्टेज 1 है। तो बता रहे थे कि एक इसका इंजन में भी कोई दिक्कत आई थी, वो उसका क्या था? इसका इंटरकूलर टूट गया था नीचे से। अच्छा, चीन जा रहे थे हम सुबह की बात है, गाड़ी नीचे खड्डे में लगी और इंटरकूलर टूट गया गाड़ी में, पता नहीं लगा और चलती रही गाड़ी, चलती रही, वार्निंग साइन नहीं दिखाया, हीट होने का कुछ नहीं दिखाया और इंजन सीज हो गया। अब जैसे ना थोड़े मैं इमोशनल बात करूंगा, अब जैसे पोलो आज के टाइम पे नहीं आती तो थोड़ा आपको अंदर से दुख नहीं होता यार? पोलो आज भी आती तो मैं वापस पोलो ले सकता था, क्योंकि अब आपके पास ये वाली पोलो है। गोल्फ आर करके एक गाड़ी आ रही है, 333 गाड़ियाँ आ रही है, ठीक है, हमने 100% अपना प्लान बना रखा है, 333 गाड़ी आ रही खाली पूरे इंडिया में। मैंने इनसे बुक्स करने वालों से अब तो खास बातचीत होगी, मैं इनसे 5-6 गाड़ियाँ ले चुका हूँ, आगे भी दिलवा चुका हूँ, वर्कशॉप में भी खासी बातचीत है मेरी वहाँ पे। तो अब मेरा प्लान है वो गोल्फ आर लेने का। अच्छा, वॉक्सवैगन लगा के अपना, चलो हम लॉयल हैं वॉक्सवैगन के, अगर हमारी वॉक्सवैगन हमारे साथ जितनी भी हैं सारी लॉयल हैं,
इनका आपको मेन सबसे मतलब जैसे फोक्सवैगन लेते हैं तो एक कहते हैं ना कि यार एक इनकी एक ऐसी बात है उस पे, तो फिर मैं इतना ट्रस्ट बन गया कि भाई अब तो सारी गाड़ी यही बिल्ड क्वालिटी है जी। और अपना लोग बोलते हैं कि इंजन अच्छे नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है, सब कुछ है। मैं ये गाड़ी बाय रोड गोवा भी लेके जा चुका हूँ, ये सेम गाड़ी, और ये गाड़ी मनाली से भी आगे तक गई हुई है, मनाली गई होगी, और बहुत मतलब बहुत ये उत्तराखंड पूरा घूम चुकी है, और आज तक कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि रोड पे खड़ी हुई गाड़ी। अच्छा अब जैसे भाई पीछे बैठे, कंफर्ट का कैसा कुछ है? बहुत बढ़िया कंफर्ट है भाई, पर फिर भी थोड़ी शायद स्पेस थोड़ी कम है, स्पेस कम है पीछे। मैंने भी ये नोटिस करा है कि पोलो में ना आगे जो दो बैठे हैं उनके लिए ठीक है, पीछे थोड़ी अब आप चला रहे हो स्पेस की दिक्कत है, लेग रूम और हेडरूम तो ठीक है बट लेग रूम थोड़ा कम है। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से दो बंदों की गाड़ी है। हाँ टू सीटर है, अगले दो बंदे तो बिल्कुल कंफर्टेबली बैठे हैं, ड्राइवर अपना मजेदार है कि अपना चलाने में बढ़िया है। बाकी ये देखो भाई चीज़ ही थी भाई, सौदा ही था ये भी। वैसे वो अपने टाइम पे ना, उस टाइम पे जो आती थी 2019 में तो शायद फिर ये बंदी हो गई थी, 2020 में हुई थी बंदी। 2020 में मेरी गाड़ी है वर्कशॉप के अंदर थी, इंजन सीज हो रखा था इसका। अच्छा एक ही साल उसी तभी हो गया था, इंजन ही नया डल गया था मेरा कंपनी से, तो फिर तो वो क्या वारंटी में हुआ? नहीं मैं वो कैश पे डलवाना पड़ा। क्या कुछ खर्चा गाड़ी रख, वो उसका आया मेरे को इंजेक्टर हुए मेरे नए 1,00,000 रुपए के इंजेक्टर आए थे। अच्छा और 4-4.5 लाख रुपए के करीब इंजन आया था, बाकी टर्बो गियर बॉक्स ठीक था मेरा। हिम्मत ही है भाई, एकदम इतना खर्चा फिर से है, वारंटी वगैरह कुछ भी नहीं। तो अभी क्या कह रहे थे आप, 24 में क्या कर सकते हैं जो अब वाटस में नहीं कर सकते? अरे यार भाई अब ये आज के टाइम पे क्यों नहीं देते ये? आज के टाइम में बस वो फीचर अनलॉक के टाइम पे हो जाता है, शीशा हुआ है देखो आप। हाँ। आपने भी करवाया, मैंने भी करवा रखा अपनी गाड़ी में भाई है। और इसमें रेन क्लोजिंग भी है कि अपना शीशे खुले हैं और गाड़ी लॉक्ड है, और अगर बारिश आती है तो शीशे अपने आप ऊपर हो जाते हैं। अच्छा चाहे आप कहीं जा रखे हो अपने आप हो जाएंगे, सेंसर होता है वो भी कोडिंग करनी पड़ती है इसकी, VCDS वाला जो सॉफ्टवेयर है इनका। तो यार वैसे देखा जाए अपने टाइम के हिसाब से तो कितने फीचर्स हैं इनबिल्ट भी हैं इसमें, और वैसे भी सारे बहुत मतलब वैल्यू फॉर मनी गाड़ी थी। अभी आज के टाइम पे जैसे मारुति हुंडई ये जो अपनी स्विफ्ट कार बता रहे हैं इन पे आप दो पंक्ति। मारुति ऐसी थी कि जी अर्टिगा थी हमारे पास, पलट अच्छा। गई थी वो गाड़ी। अच्छा ठीक है, तो फ़ोन कहीं उड़ के गिरा था, मेरा भी सारा कपड़े वगैरह पे खून वून लग गया था। और इन गाड़ियों का ऐसा है, मेरे पास दूसरी पोलो है वो यहाँ 2 सेक्टर पंचकुला में एक्सीडेंट हुआ था, उसका पेट्रोल है वो दीवार तोड़ के घर के अंदर चली गई थी गाड़ी। एक आपने इसमें कलाकारी और करवाई थी, मतलब जैसे ये पूरे कन्वर्ट हो रखी है एक तरह से 1.5, सब ये 1 लीटर वाली जो किट है एक तरह से, बम्पर लाइट और ये आपने ये वाले जो शीशे ना अलग वाले ये लगवाए, इनका कैसे कुछ आइडिया, कहाँ से सोचा कि भाई ऐसे भी हो सकता है और क्या कुछ कॉस्टिंग पड़ती है? वेंटोली 1 लीटर TSI उसमें ये वाले बम्पर आए थे। अच्छा। ये वाले शीशे आए थे। हुँ। तो प्रैक्टिकली हम देखें तो यार इतना तो हर किसी को नॉलेज होती है कि चलो वेंटो पोलो के शीशे सेम है, तो वेंटो में जो चीज लगी आ सकती है वो पोलो के लिए भी आ सकती है, पोलो के लिए भी आ सकती है। तो क्या कुछ कॉस्टिंग पड़ी इसकी फिर टोटल, पहले तो शीशों की बताओ। शीशे 6,000 रुपये, 6,000 + 500 रुपये 6,500 मान लो, 6,500 में चारों शीशे और कंपनी से ही। आपके हिसाब से ज़्यादा है कम है? ठीक, मेरे को तो बहुत सस्ते लगे यार, कम से कम चलान नहीं है इस चीज़ का, फिल्मिंग भी कराने जाते हैं तो 2,000 रुपये की होती है आज की डेट में फिल्मिंग भी प्रॉपर। अच्छा मैं तो भूल गया था यार, बहुत दिनों में चलाई है मैंने तो। और 2019 में भी ठीक ठाक फीचर आए थे इस गाड़ी में, बाकी यार इसमें है ना एक तो टॉर्क, जैसे अब डीजल है ना तो हाफ क्लच में ही गाड़ी चढ़ जाती है, पेट्रोल में ना वो मैनुअल में रेस हाफ रेस और उसमें देनी पड़ती है। बस ये था कि ये डीजल में ऑटोमेटिक में नहीं आई थी। अच्छा तो एक बार हमारा प्लान ये भी बना था कि इसमें DSG फिट कर दें। अच्छा अब अपनी वर्कशॉप है कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट तो करेंगे। अच्छा। एक है ना ये फोक्सवैगन थोड़ी ऐसे बदनाम है कि यार ये है ना इनका बुढ़ापा बहुत खराब है, मतलब फोक्सवैगन है ना लॉन्ग टर्म में जब हम जाते हैं कभी आप
आपको मैं अगली बार जरूर दिखाऊंगा। मेरे पास 2013 मॉडल 1.6 TDI है। अच्छा, वेंटो। और वो गाड़ी मेरे वर्कशॉप पे जो मेरे मैनेजर साहब है ना उनकी है। और वो गाड़ी इससे भी ज़्यादा पावरफुल है, 1.5 है, वो 1.6 है। अच्छा, फ़र्क ये होता है उसमें एक एडिशनल कूलर वो होता है, पंप होता है एक, और ज़्यादा कोई बाकी टर्बो वगैरह सब सेम है इनके। लेकिन वो गाड़ी 2013 होने के बाद भी इससे ज़्यादा पिकअप पकड़ती है, एवरेज से बढ़िया रहती है। बुढ़ापा आप देख लो, 10 साल तो पुरानी हो ही गई। बुढ़ापा 10 साल में तो पता चल जाता है गाड़ी का, पूरा ही सब पता चल जाएगा। ये यार फिर उस हिसाब से तो मतलब वैसे ही बदनाम कर रखा है। वैसे ये मेंटालिटी है, किसी ने सही नहीं कहते हैं कि 1,00,000 किलोमीटर तक तो ठीक है, उसके बाद तो फिर इनको बेच दो। नहीं नहीं, ये है मेंटालिटी कि जो बन जिस बन जिन बंदों ने सेकंड हैंड ली गाड़ियां, अपना सेकंड ओनर ली, थर्ड ओनर ली, फोर्थ ओनर ली, वो 2,00,000 रुपए की उठा के और चलाई नहीं गई, उसके बाद फिर बदनामी कर दी कि ये गाड़ियां ऐसी हैं ऐसी हैं। अच्छा, जैसे एक पहले ये भी तो करते थे ना ये कि मतलब जो इनकी एड शूट होती थी ये इस पे खड़े हो जाते थे। हाँ, इस पे अभी भी खड़े हो सकते हैं, ये खड़े होके दिखाएगा आपको। हो जाओगे क्या भाई खड़े? हो जाएंगे जी, क्या दिक्कत है? ये देखो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वाली फोक्सवैगन जो थी ना, मतलब पोलो, पहले 100 किलो का आदमी है, 100 किलो है भाई, देख लो 100 किलो के बाद भी है ना, मतलब डोर पे कुछ भी ऐसे नहीं हो रहा कि यार गाड़ी का ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, कुछ भी ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। ये देखो, ये चीज थी पहले के टाइम पे। चेंज क्या क्या हुआ इसमें? इसमें ये ग्रिल, ग्रिल चेंज होगी, ये पूरा बम्पर, पूरा बम्पर चेंज हुआ है, साइड में शीशे, इनकी कैप चेंज हुई है, ये सिल्वर आई थी पहले, बॉडी कलर डी हो गए तो। हाँ, ये शीशे भाई, ये देखो इसमें लिख भी रखा है डार्क ग्रीन। स्पॉइलर ये जीटी वाला होगा? हाँ जी, जीटी वाला है, ये जीटी वाला है। लाइटें चेंज हुई हैं और पिछला वाला यार, ये गाड़ी ना बेस्ट होती थी। चलो ठीक है, थोड़ी स्पेस की इसमें दिक्कत रहती थी, पर वही है यार, जो चलाने का शौकीन है वो फिर देखेगा ही नहीं ये फालतू की चीज़ें। तो भाई की जो है वर्कशॉप है, ये जो है फ़ोन नंबर एड्रेस है, बाकी अगर आपको भी कोई भी काम कराना है तो आप जो है जा सकते हो, और हमारे नाम से जाओगे तो वही है भाई, डिस्काउंट वाली बात है। बाकी अभी आप कौन से प्रोजेक्ट पर लग रखे हो? हम लोरा तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ऑल व्हील ड्राइव, 500 हॉर्स पावर की। 500 हॉर्स पावर की अभी स्टॉक, मतलब मॉडल कौन सा है वो? वो है 1.8 TSI 2009 मॉडल है वो। तो 2009 कितनी BHP आती होगी वो? 160 हॉर्स पावर थी उसमें। और अब कितने करने हैं? 500 हॉर्स पावर अप्रोक्सीमेटली कर लेंगे तैयार, हो जाएगी। टर्बो इंटरकूलर वगैरह चेंज करके। अच्छा अच्छा, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट वगैरह लगा के, मतलब है प्रोजेक्ट बड़ा है, लेकिन कर लेंगे तैयार 1 महीने के लिए। 1 महीने में हो जाएगी भाई? मैं ना, मैं पक्का गारंटी देता हूँ, जैसी गाड़ी तैयार हो जाएगी ना, हम शूट करेंगे उसका, ठीक है? वर्टस आप में भी जरूर कुछ नया लेके आएंगे। वर्टस का तो भाई ने मेरे को दिखाई दिया क्या होने वाला है, उसको भी कवर करेंगे। अभी दिखाएंगे नहीं भाई, फिर वही है ना यार, कोई हमसे भी पहले कर जाएगा। फिर आपको जो पोलो लवर्स हैं उनको ये वीडियो काफ़ी सही लगी होगी। बाकी उम्मीद है भाई फ्यूचर में ना, और भी मेरे को एक उसका रिव्यू करना, अगर किसी के पास पोलो GTI हो ना, वो 2-door वाली, वो बताना यार। मैंने बार चला के तो देख लिया, पर मैंने ना अभी तक उसका कुछ शूट नहीं करा है। किसी के पास हो तो भाई मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, इंस्टाग्राम पे DM कर देना। बाकी थैंक यू भैया अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, थैंक यू भाई खड़े होके ऐसा बिल्ड क्वालिटी चेक करवाने के लिए। तो देख लो भाई, डोर सही है, ऐसा नहीं है टूट रखा है, ये देखो पूरा चलता है भाई, देखो कोई आवाज़ फालतू की कुछ नहीं है। और फिर होके खड़े हो जाओ यार, एक बार मज़ा आ रहा था मेरे को तो। देख लो भाई, फिर भाई ये पर खड़े हो जाएंगे 100 किलो जब एक बार डोर के ऊपर बैठ गया 100 किलो का। ये देखो फिर भी इसमें कुछ नहीं है भाई, सेफ। हाँ जी यार, इससे ज़्यादा कोई क्या कर सकता है ये बताओ। पर मेरी गलती, आज के टाइम पे जो फोक्सवैगन आ रही है उस पर करोगे तो आवाज़ आएगी, या हम शायद ट्राई नहीं कर रहा क्योंकि नई गाड़ी से करते हुए हमेशा घर कोई सोच। हाँ सोचे तो गई भाई, पर मेरे ख्याल से जितना हम इस पे कर सकते ना उतना शायद उस पे ना भी हो पाएगा, ना मिले उसमें। हाँ यही था भाई, बाकी यहाँ तक वीडियो देखी तो इसको लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे कैसी ही नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।